मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स क्लास. वी कंप्लीट 3 चैप्टर. ओके, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स. और आज हम फर्स्ट डी स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कैपेसिटेंस. ओके बच्चे, और सबसे पहले हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैपेसिटर. व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस. कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है जो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. क्योंकि मैंने आपको बताया था चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसीडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. देखो बच्चे, वी नो दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. हमें पता है पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के. क्योंकि देखो, जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा. मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू क्यू पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर. मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ओके, व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीज. सो वी कैन से दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल उठाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी C. वेयर C इज कॉन्स्टेंट. ओके, C इधर हो जाएगा, V इसके अपॉन में आ जाएगी वैल्यू. C इज कॉन्स्टेंट. वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. C को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे. ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैराडे. जिस डिस्टेंस की होती है ना मीटर ऐसे सिस्टम में, और मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, ऐसे ही ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे. ओके, व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल इज 1 वोल्ट. देखो, जब चार्ज को हम 1 कूलम पुट करेंगे, पोटेंशियल को वी वोल्ट पुट करेंगे, देन कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 फैराडे. देखो स्टूडेंट्स, ये 1 फैराडे की डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में. व्हेन चार्ज इज 1 कूलम पोटेंशियल इज 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराडे. नेक्स्ट है स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, फर्स्ट माइक्रोफेराडे. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये यूनिट आपकी हेल्प करेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफेराडे. सबसे पहले ये माइक्रोफेराडे का सिंबल है, दैट इज इक्वल टू 10^-6 फेराडे. देन नैनो फेराडे. ये नैनो फेराडे का सिंबल है, 1 n f, दैट इज इक्वल टू 10^-9 फेराडे. देन माइक्रो माइक्रो फेराडे. देखो, दो बार माइक्रो माइक्रो आ गए ना हमारे पास. 1 माइक्रो फेराडे किसके इक्वल होता है? 10^-6. तो 1 माइक्रो माइक्रो फेराडे किसके इक्वल हो जाएगा? 10^-12 फेराडे. ठीक है, इसको पिको फेराडे भी कहते हैं क्योंकि जो 10^-12 टर्म होती है उसको हम पिको बोलते हैं. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन. सबसे पहले ये कैपेसिटर का सिंबल होता है. ठीक है, इसकी जो कैपेसिटेंस है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल सेपरेटिंग द टू कंडक्टर. जो कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा जो टू कंडक्टर को सेपरेट करता है. देखो स्टूडेंट्स, ये टू हमारे पास कंडक्टर है, इनके बीच में सेपरेशन होती है. नेक्स्ट इज शेप साइज सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर. मतलब कि जो ये मतलब कि प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनकी शेप कोई भी हो सकती है. ठीक है, इनकी शेप पे डिपेंड करती है और इनका साइज, इसकी साइज पे डिपेंड करती है
और सेपरेशन, मतलब कि इनके बीच में कितना सेपरेशन है, कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हमने टू कंडक्टर कंसीडर किए हैं इनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल सेपरेटिंग द टू कंडक्टर। जो टू कंडक्टर के बीच में मटेरियल होता है उनकी नेचर पे डिपेंड करती है। शेप साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर, जो टू कंडक्टर है उनकी शेप पे, साइज पे और उनकी सेपरेशन, मतलब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये टू कंडक्टर हैं किस मटेरियल के बने हुए हैं इनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया, हमने स्फेरिकल कंडक्टर का सेंटर ओ ज्यूम किया और इसका रेडियस आर ज्यूम किया। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को प्लस के चार्ज दिया, ये प्लस के चार्ज पूरे कंडक्टर पे स्प्रेड हो जाएगा। वट एवर द सर्फेस इज होलो और सोलिड, मतलब कि सॉरी स्फीयर, चाहे स्फीयर सोलिड है चाहे होलिड है, ये पूरा चार्ज स्फीयर पे स्प्रेड हो जाएगा। और अब हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज पॉन 4πε0 नॉट आर, ठीक है। सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू पॉन में। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू चार्ज पॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई क्यू पॉन 4πε0 आर, क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू क्यू 4πε0 आर। अब हम यहां पे वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी आ गया 4πε0 आर। वेयर सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, इट मींस इसकी कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली पोर्शन है, रेडियस के। ओके, अब देखो इन सीरियस सिस्टम 1.4πε0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, इसलिए सी इज इक्वल टू आर। इन ए मीडियम और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर यहां पे मीडियम होएगा तो क्या यूज करते हैं, अपसाइलन। अपसाइलन किसके इक्वल होता है, अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर। तो कैपेसिटेंस ऐसा ही सिस्टम है हमारे पास, ये आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए है फर्स्ट डी, जिसका नेम है कैपेसिटेंस। इसके स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फर्स्ट थ्री चैप्टर में डेरिवेशन थी, काफी लेंथी थी, ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटेंस।